इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे झूम खेती के बारे में, झूम फार्मिंग के बारे में। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ईबीएस एनसीईआरटी बुक के पैराग्राफ हैं। झूम खेती करने का एक तरीका है जो पहाड़ों पर मिजोरम में होता है। झूम खेती कहाँ पर होती है? मुख्यतः जो है ये मिजोरम राज्य में होती है, ये मुख्यतः मिजोरम पहाड़ी राज्यों पर की जाती है। लॉटरी के द्वारा खेती की जमीन देने की प्रथा मिजोरम में है। मिजोरम में जो है लॉटरी के माध्यम से जो है खेती की जमीन दी जाती है, ये एक प्रकार की प्रथा है। इसको टिन खेती भी कहा जाता है। तो ये झूम खेती के बारे में हम आगे इसको डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। झूम खेती में एक फसल काटने के बाद जमीन के को कुछ साल है तो आराम करने देते हैं ताकि ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती रहे। कुछ यानी कुछ साल हम उस पर खेती करते हैं, काट के फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह खेती करने चले जाते हैं ताकि उसकी उर्वरा शक्ति जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाए। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। जैसे कहीं पर हमने खेती की, उसको कुछ साल के लिए हमने छोड़ दिया तो वहाँ पर कुछ खर पतवार जमाते हैं, तो उसको हम केवल काट कर गिरा देते हैं और बस आग लगा देते हैं, जो फिर वो जलकर वहाँ पर राख बन जाता है। वो जो है उर्वरक का काम करता है। फिर उस पर जो है थोड़ा सा मिट्टी को हिलाकर बीज छिड़क देते हैं और उसी पर हम खेती करते हैं। जब वहाँ पर खेती कर लेते हैं फिर हम दूसरी जगह चले जाते हैं। इस प्रकार उस ज़मीन को हम कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं ताकि उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ सके। ये जो है झूम खेती ये पहाड़ों पर की जाती है। फिर जब इस ज़मीन में हल्के जब ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता बल्कि मिट्टी को हल्के से हिलाकर हम जो है बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये खेत है, इसको जला दिया, लेकिन इसको बराबर करने के बाद केवल हल्की मिट्टी जो है ऐसे हिला देते हैं, फिर इसमें जो है हम मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल इत्यादि के बीज बो देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है मुख्यतः झूम खेती में कौन कौन सी खेती होती है? मकई की, सब्जियों की, मिर्च की और चावल की। तो इस खेती को जो है वहाँ पर करते हैं। और ये झूम खेती मुख्यतः कहाँ होती है? मिजोरम राज्य में होती है।